माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आपको पता है कुछ स्थानों पर बोलने से आयु भी धन भी इसका नाश हो सकता है, इसका हरण हो सकता है। जी हाँ, आज मैं यही बताऊंगा कि तीन वो कौन सी जगह जहाँ आपको बोलना नहीं चाहिए। आज हम बात करेंगे यज्ञ की, और ये वो बात होगी जो आपने समझ ली और कर ली तो ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियाँ खत्म। सब तो किसी के नहीं होंगे, हमेशा याद रखना इस बात को, संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। मैं हस्तरेखा में उनकी बात करूँगा जिन लोगों को बहुत सारी प्रतिष्ठा चाहिए, और पेरेंटिंग टिप्स में उन बच्चों की बात करेंगे जो पढ़ते पढ़ते खाते बहुत सारा हैं। क्या ये सही है या ये गलत है, और खाएं तो कितना खाएं या कितना बिल्कुल ना खाएं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। और जब भी मैं यज्ञ की बातचीत शुरू करता हूं, मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं। वह उदाहरण क्या है? जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव शुरू होता है बवाल में। उसके थोड़ी सी देर बाद एक टीचर हैं एसएल कुशवाहा, वह यज्ञ विधि में निपुण हैं। वो अपने घर में तुरंत अग्निहोत्र यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके करीब 20 मिनट बाद लगातार उस यज्ञ का, अग्निहोत्र यज्ञ का आहुति आदि वो डाल रहे हैं, और 20 मिनट बाद गैस का असर घर पर खत्म हो गया और उनकी जिंदगी बच गई। जी हाँ, क्योंकि जो गैस मैंने आपको अभी बताई, ये बहुत खतरनाक गैस होती है। इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये यदि आप इनहेल कर लें 2-4-5 मिनट, बस आपकी आयु क्षीण होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी महिमा है यज्ञ की कि यज्ञ करने वाले लोग मृत्यु को टाल सकते हैं। अब मृत्यु को टाल सकते हैं का मतलब ये कि नहीं है कि आप अमर हो गए, और न ही मृत्यु को टालने का ये अर्थ है कि नेचुरली आपकी मृत्यु आ रही है और आपने उसे टाल दिया, और जब जब आएगी तब तक आप उसे टाल देंगे। यह कहना चाहता हूं मैं इस वाक्य के माध्यम से कि जो लोग यज्ञ करते हैं उनके ऊपर वातावरण आदि का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, और वह लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इससे उनकी मृत्यु टल जाती है। ऐसी महिमा है यज्ञ की। और यज्ञ करना तात्कालिक समस्याओं को ही नहीं बल्कि जीवन के उद्देश्य को भी आपको प्राप्त करवा सकता है। मैं बताऊंगा कैसे। सूर्य आदि के लिए कुछ विशिष्ट संविधा हमें चाहिए, वो मैं बता दूंगा, आप कर लीजिएगा और लाभ होगा, इतना बात है। अगर आपको नींद नहीं आती है, या सांस की कोई बीमारी है, मानसिक बीमारियां हैं, आपके काम नहीं बनते हैं या बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, घर में यदि आपके अशांति रहती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, शत्रु बाधाएं बहुत ज्यादा हों, घर में रोग रहते हों, तो यज्ञ कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए, अगर बहुत सारे लोग इस राष्ट्र की शांति के लिए नियमित रूप से यज्ञ करने लगे, 100, 200, 1000, 2000, 10, 20, 1000, 1,00,000 से कुछ नहीं होगा, करोड़ों करोड़ों लोग यदि यह एक नियम बना लें कि हम 5 आहुति या 11 आहुति राष्ट्र के लिए देंगे, तो इससे राष्ट्र में शांति होगी और पर्यावरण भी हमारा प्रदूषण मुक्त होगा। निसंतान लोग यज्ञ करें, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा उससे अपने आप। बस इतना जरूर है, यज्ञ करना आपको आता हो। चेचक के टीके के आविष्कारक हैं डॉक्टर हैफकर। उन्होंने कहा, और उनके इस कथन को मैं यज्ञ से जोड़ रहा हूं, वो कहते हैं घी जलाने से रोग के कीटाणु मर जाते हैं, और यज्ञ में आप घी जलाते हैं और खूब सारा घी जलाते हैं, उससे रोग के कीटाणु मर जाते हैं। लेकिन ये घी होना कौन सा चाहिए? यह देसी गाय का घी होना चाहिए, दाएं बाएं वाला नहीं, और नकली तो बिल्कुल नहीं। एक बात मैं आपको
खास अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, खेलते समय, वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सीढ़ी चढ़ते उतरते समय, दौड़ते भागते समय ध्यान रखें। वाद विवाद इस दिन हो सकता है, कहीं यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा में भी वाद विवाद हो सकता है। एक सावधानी, इस दिन धैर्य रखें, विवाद से बचें। उपाय क्या करना है, दूध या दूध से बनी हुई चीजें लोगों में बांटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, निवेश लाभ देता नजर आ रहा है, उन्नति होती नजर आ रही है, इस दिन प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, लेकिन एक सावधानी रखें, इस दिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, बुजुर्गों और माता पिता का आशीर्वाद लेकर दिन प्रारंभ कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, धार्मिक यात्रा हो सकती है, कार्य में बाहर के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्र आदि भी आपकी मदद करेंगे, व्यापार से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर व्यापारिक यात्रा आप कोई कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ होगा। बस एक सावधानी रखिएगा कि यात्रा के दौरान अपना ख्याल रखें, और यदि बच्चे भी जा रहे हैं तो बच्चों को और भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ख़ासतौर से अपने धन का भी ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, आज बच्चों को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें बांटिएगा, प्रभु जी लाभ करेंगे। कर्क राशि, मेहनत से लाभ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, संपत्ति से लाभ मिलेगा, इस दिन यदि आप कोई निवेश करते हैं तो वह आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छे परिणाम देगा। सावधानी क्या रखनी है, आज यात्रा ना करें तो अच्छा है, करें तो उसमें वाद विवाद से बचें, वाहन ध्यान से चलाइए। उपाय क्या करेंगे, दूध का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और अब शास्त्रों से, प्राचीन काल में सारे कार्य संस्कार से प्रारंभ होते थे, उस समय संस्कारों की संख्या लगभग 40 थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, व्यस्तता बढ़ती गई, तो बहुत सारे संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है, महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों का उल्लेख किया है, और व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है। 16 संस्कारों की बात हम आज भी करते हैं और उसे मानते हैं, जिसमें पहला गर्भाधान संस्कार है और दूसरा अंत्येष्टि संस्कार है, जो अंतिम संस्कार है। हम बात कर रहे हैं यज्ञ की, यकीन मानिए यज्ञ करने वाले लोग अपनी बहुत सारी परेशानियां और संघर्ष कम कर सकते हैं, उनमें अद्भुत चेतना होती है, उनमें अद्भुत शक्ति भी आती है, और ईश्वर उनकी मदद करते हैं। यज्ञ के विषय में और बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, तेज वाहन इस दिन मत चलाइए, दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, बिजली का काम करने में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, और इस दिन कहीं बड़ा निवेश नहीं कीजिएगा, जोखिम मत उठाइएगा। एक सावधानी बरतनी है, वो ये, पारिवारिक वाद विवाद से आपको बचना होगा। उपाय क्या करना है, चीनी बांटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, बुद्धिजीवी वर्ग को सफलता मिलती दिखाई दे रही है, व्यापारियों के लिए भी यह दिन अच्छा है, पार्टी आदि में जाने का कोई सुख भी मिलेगा, रिश्तों के मामले में यह दिन अच्छा है, पुराने रिश्ते या कोई आपसे यदि नाराज है तो वह रिश्ते पुनः जुड़ सकते हैं, आप लोग पुनः मिल सकते हैं, फोन से बातचीत हो सकती है। उपाय कर लीजिएगा, शिव जी की उपासना कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके, और फिर अपने काम पर जुटिए, और ख़ास तौर से विद्यार्थियों को ये काम ज़रूर करना है, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत विशेष है। तुला राशि, यदि आप नौकरी करते हैं तो सतर्क रहने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन जीवन यापन के साधनों पर कोई परेशानी आ सकती है, मेहनत बहुत करनी होगी, और सेहत के मामले में भी सतर्क रहिएगा। एक सावधानी, इस दिन प्रॉपर्टी में पैसा मत लगाएं तो अच्छा रहेगा, बाकी उपाय कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, दूध का दान इस दिन अवश्य कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, शरीर में कष्ट हो सकता है, लेकिन व्यावसायिक जीवन में उन्नति होगी, प्रमोशन में सफलताएं दिखाई दे रही हैं, इंटरव्यू में सफलता दिखाई दे रही है, व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा राहत वाला होगा, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, निवेश या कोई बड़ी खरीद इस दिन बिना बुजुर्ग की सलाह के मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए,
तो सब ठीक करेंगे। विषय पर बात करते हैं। मैंने अभी आपको चेचक के टीके के आविष्कारक प्रोफेसर हैफकिन की बात बताई थी। फ्रांस के एक और वैज्ञानिक की बात बताता हूं, वह है ट्रिलबर्ट। वो क्या कहते हैं, जब हम शक्कर को जलाते हैं तो ये वायु को शुद्ध करने लगती है। और कैसा, छोड़ा मोटा नहीं, इससे टीबी, चेचक, हैजा आदि बीमारियां भी नष्ट हो सकती हैं या उनके वायरस भी नष्ट हो सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए। और शक्कर डाली जाती है, मिश्री डाली जाती है, जो गुड़ का जो बुरादा होता है वह यज्ञ की संविधा की आवश्यक सामग्री है। अब पता नहीं बहुत सारी सामग्रियों में वो पड़ता है नहीं पड़ता है तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बिना सामग्री नहीं बनती है। और उसका सीधा प्रभाव यह है कि वहां वायरस गायब होना शुरू होते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में मद्रास के सेनेटरी कमिश्नर थे एक, जिनका नाम था डॉक्टर कर्नल किंग। इन्होंने क्या कहा, इनकी अपनी एक रिसर्च थी, घी और चावल में केसर मिलाकर यदि आप अग्नि में जलाते हैं तो प्लेग तक का वायरस से आप बच सकते हैं। देखिए जरा कैसी अद्भुत जानकारी है। तो इसलिए आप यज्ञ को कोई छोटा मोटा कार्य मत समझिए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, हमें पर्यावरण निर्माण से क्या मतलब, पैसा वैसा आए तो बताओ तब तो यज्ञ करेंगे, गाड़ी वाड़ी आवे तो यज्ञ करेंगे, पर्यावरण का क्या है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, हम लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं दुर्भाग्य से, जबकि एक जागरूक नागरिक को स्वयं से ब्रह्मांड तक सारे कार्य करने के लिए, कल्याणकारी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। खैर, वैसे मैं आपको ये बताऊं, यज्ञ से ग्रह मजबूत होते हैं और बुरे ग्रहों का प्रभाव कम होता है। अब यज्ञ से ग्रह कैसे मजबूत होते हैं, बहुत सारी आंखों में चमक आई होगी, हाँ अब सही है। अब बताइए, प्रत्येक ग्रह की संविधा सामग्री अलग अलग होती है, उससे यज्ञ करने से वह ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देता है। अब ये सामग्री मैं अभी आपको लिखाता हूं, लेकिन आज धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए क्या सावधानी उपाय हैं ये जान लीजिए। धनु राशि, दिन बहुत लाभप्रद नहीं है, थोड़ा संभल कर चलना होगा, मां, मित्र और वाहन का बहुत ख्याल रखना। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज पशु पक्षियों पर बड़ी करुणा बरसाइएगा। सावधानी, आज अधपके विचारों की वजह से आपको नुकसान होगा, इसलिए आज दिमाग में कोई आइडिया आए तो उस पर आप कार्य तभी करें जब पहले सलाह मशवरा कर लें किसी योग्य व्यक्ति से। उपाय क्या करना है, गौ माता को अपने हाथ से गुड़ और जल पिलवा दीजिएगा। मकर राशि, इसी मित्र की मदद से आपको धन लाभ हो सकता है, या समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति की मदद से आपको कोई लाभ हो सकता है, आपका बिगड़ता हुआ कार्य बन सकता है। प्रेम संबंध आज बेहतर होंगे, ग्रस्त बेहतर होगा, आज आप अच्छा निवेश भी कर सकते हैं, बस एक सावधानी रखिएगा, मित्र या सहयोगी वो आपको परेशान ना कर सके, इसलिए सतर्क रहिएगा, वो नहीं तो दुश्मनी निभा जाएंगे चुपचाप। उपाय क्या करना है, काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, सरसों के तेल और उड़द का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि, सरकारी मामलों में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, यात्रा के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विरोधी शांत होंगे, इसकी वजह से आपका कार्य रुकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, आप खुश भी रहेंगे, बस एक सावधानी रखनी है, घर के बच्चों का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है, आप ओम सरस्वती नमः का अभी जप कीजिए, जितना 1 मिनट 10 मिनट जितना वक्त आपके पास हो, और थोड़ी सी सौंफ मिश्री मिला के रख लीजिए, घर में भी बांटिए बाहर भी बांटिए, कल्याण होगा, प्रभु कृपा मिलेगी आपको। मीन राशि, उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बस एक सावधानी रखिएगा, माता जी का, बहन का थोड़ा ध्यान रखना,
और उनसे आपके मतभेद ना हो, इस बात का और अधिक ध्यान रखना। उपाय क्या करना है, पके हुए भोजन का दान दीजिए तो सब ठीक करें। एक व्यथा लेता हूं, व्यथा मैं ले रहा हूं, इस बच्ची ने अपना नाम बताने को मना किया है। उसने अंकल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज सिंस 3 इयर्स बट नॉट गेटिंग एनी सक्सेस। क्या करें? देखो, आपका 2019 वाला वर्ष बहुत अच्छा है और जम के अभी से मेहनत करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, लिखने की तैयारी करो, गहरी गहरी श्वास लिया करो, प्राणायाम सीखा करो और जल खूब पिया करो। अपने अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहन लीजिए और आपकी सफलता का पूरा दारोमदार 2019 में है, इसलिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन में कमी नज़र आ रही है, उसे दूर करो और कोई कुछ और नहीं सोचना है। अब अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सोचिए और आगे बढ़िए। और अब उनके बाद जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये महीने बहुत अच्छे हैं, इनका सही से इस्तेमाल कीजिएगा। खास तौर से जून का महीना, उसके बाद सितंबर का महीना, फिर दिसंबर का महीना, मार्च 2019 का महीना, ये वो महीने हैं जिसमें आप थोड़ी सी भी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे या अपने विषय में थोड़ा सा भी ज़्यादा कार्य कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। नई शिक्षा अर्जन करने के योग बन रहे हैं और नया कार्य करने के भी योग बन रहे हैं, खासतौर से वो लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या जो लोग पॉलिटिकल या सोशल लाइफ जीते हैं, उन लोगों के लिए ये 12 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो जम के मेहनत कीजिए, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। रोज़ाना बुज़ुर्गों को प्रणाम करना है, बुज़ुर्गों का आपसे अनादर ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए रोज़ आदर देना है। दूसरी चीज़ ये है कि पीतल अथवा सोने का एक छल्ला आज अपनी फर्स्ट फिंगर में किसी भी बुज़ुर्ग के हाथ से पहन लीजिए और रोज़ाना अपने प्रभु को राम राम करके, प्रणाम करके फिर दिन शुरू किया कीजिएगा। कभी कभी सत्संग में जाया कीजिएगा या जिस पद्धति से आप पूजा करते हैं वो पूजा ज़रूर किया कीजिएगा, अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। यूँ तो हम राशि के बारे में बहुत डिटेल से जान चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए राशि रिकैप। मेष राशि, खेलते समय, वाहन चलाते समय, उछलते कूदते समय थोड़ा ध्यान रखें, विवादों से बचने की इस दिन कोशिश करनी होगी। वृषभ राशि, दिन अच्छा है, लाभ मिलेगा, निवेश भी लाभ आपको देगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। मिथुन राशि, धार्मिक यात्रा हो सकती है, बाहर के लोगों से आपको कार्य में और व्यापार में सहयोग भी मिलेगा, यात्रा भी लाभप्रद होगी। कर्क राशि, संपत्ति से लाभ आपको मिल सकता है, निवेश से आपको लाभ मिल सकता है, बस यात्रा में वाद विवाद से बचना होगा। सिंह राशि, तेज वाहन नहीं चलाएं, दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इस दिन निवेश करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कन्या राशि, बुद्धिजीवी वर्ग को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कहीं पार्टी आदि जाने का सुख मिल सकता है, पुराने रिश्ते जुड़ सकते हैं। तुला राशि, जीवन यापन के लिए बहुत सतर्क रहने वाला दिन है, व्यापार ही हो आप या नौकरी पेशा हो आप, आपको बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा, अन्यथा कोई मुश्किल आ सकती है। वृश्चिक राशि, शरीर में कष्ट के संकेत मिल रहे हैं लेकिन व्यवसायिक जीवन में उन्नति दिखाई दे रही है। धनु राशि, दिन बहुत लाभप्रद नहीं है, माँ मित्र और वाहन का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और माँ और मित्र के साथ संबंध खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मकर राशि, मित्र या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस दिन निवेश करना लाभदायक भी रहेगा। कुंभ राशि, सरकारी मामलों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, यात्रा से मगर लाभ मिल रहा है, विरोधी इस दिन शांत रहेंगे। मीन राशि, उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, प्रतिष्ठा आपकी इस दिन बढ़ेगी। और अब दिन भर के शुभ अशुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त लिखिए, 8:35 से लेकर 9:26 प्रातः यमदंड काल होगा, प्रातः 9:13 से 10:41 तक गुलिक काल होगा, 12:25 से 14 बजे तक यानी 2 बजे तक राहु काल होगा,
3:36 से 5:12 तक एक और दुर्मुहूर्त है, लेकिन ये रात में 11:17 से लेकर सुबह 2:02 तक। शुभ काल होगा अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से लेकर 12:50 तक, और अमृत काल है दोपहर में 2:27 से लेकर 3:59 तक। इस समय में आप कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। बाकी अशुभ समय में अति विशेष कार्य या कोई विशेष मंगल कार्य बस वो मत कीजिएगा। ऐसे आपकी जो सामान्य रूटीन है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, आप आराम से अपना सामान्य कार्य करते रहें। विषय पर बात करते हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस ग्रह के लिए किस लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य के लिए मदार है, तो आप या तो मदार की लकड़ी यज्ञ कुंड में लगाएं, अन्यथा आपकी सामग्री में आपकी संविधा में मदार अवश्य हो। चंद्रमा के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर की लकड़ी मिलती मुश्किल से है, लेकिन कोशिश करने पर मिल सकती है। इतनी सी भी आप रखने लगे तो जरूर लाभ होगा, और मंगल दोष की जो लोग पूजा करते हैं उनको लाभ होगा। आप अपने किसी भी मंत्र से यज्ञ हवन कर सकते हैं, लेकिन यह लकड़ी अवश्य रख लीजिएगा यदि मंगल दोष है और उसकी वजह से बाधाएं हैं तो। बुध के लिए चिरचिटा की लकड़ी अवश्य होनी चाहिए। बृहस्पति के लिए पीपल, बहुत थोड़ी सी डालनी है, ज्यादा नहीं। शुक्र के लिए गूलर, शनि के लिए शमी, राहु के लिए थोड़ी सी दूर्वा, यह आपकी सामग्री में अवश्य मिली हुई होनी चाहिए, और केतु के लिए कुशा की संविधा कही गई है। अगर ये आपको मिल जाए तो अद्भुत लाभ देंगे, और आप देखेगा आपके ग्रह जो आपको नाना प्रकार की बाधाएं दे रहे हैं वह बाधाएं धीरे धीरे शांत होती चली जाएंगी। मदार की जो संविधा होती है ये रोग का नाश करती है। पलाश की संविधा से कार्य सिद्ध होते हैं। पीपल की संविधा जो है खास तौर से उनको लाभ देती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, या जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, या जो लोग राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, वहाँ इन सभी लोगों को पीपल की संविधा से लाभ मिलता है। गूलर तो एक तरीके से समझ लीजिए स्वर्ग देने जैसा है, यदि भी मैं उस स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना सुख देती है गूलर की संविधा जैसे मानो स्वर्ग मिल गया। शमी की संविधा से यज्ञ करने पर पाप नाश होते हैं, और दूर्वा यदि आपकी सामग्री में है और उससे आप यज्ञ करते हैं तो दीर्घायु आप होते हैं, और कुछ मनोरथों को पूर्ण करने वाली सिद्ध करने वाली होती है, और शरीर को चैतन्यता प्रदान करती है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पलाश के पेड़ की संविधा से यज्ञ जरूर कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए खास तौर से कह रहा हूं जो बहुत आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। और अब परवरिश टिप्स। क्या आपका बच्चा पढ़ते पढ़ते बहुत खाता है? अगर ऐसा है तो दो बातों का ख्याल विशेष रूप से दीजिए। पहली बात, उसका वजन तो नहीं बढ़ने लगा, और दूसरी बात, वह नर्वस तो नहीं है? अगर वजन नहीं बढ़ रहा और वह नर्वस नहीं है तो बहुत बढ़िया है, इससे उसको एनर्जी भी मिलेगी और इससे उसको काम करने में मन भी लगेगा और वो बहुत सारी चीजें सोच सकता है। लेकिन अगर वो टेंशन की वजह से बहुत सारा खा रहा है, ये बहुत बुरा है, क्योंकि उसको सफलता प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत मुश्किल से सफलता मिलेगी। क्या करना चाहिए? एक काम तो ये कीजिए, सरसों के तेल में चने भून के रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला नमक और नमक डाल के रख दीजिए, वो बच्चा थोड़ा थोड़ा खाते रहे। दूसरी चीज, आटे को गाय के घी में खूब अच्छे से भून कर, जैसे हलवा होता है उसका हलवा ही बना के रख दीजिए, हलवा बना के रख दीजिए, और वह बच्चा एक एक दो दो चम्मच खाता रहे। इससे बुद्धि तेज होगी और उसको ताकत मिलेगी। लेकिन रात में दही का सेवन, मैदा का सेवन या फलों का सेवन वह करने से बचें। फ्रिज की चीज़ें बचें, जब रात में पढ़ रहे हों तो निकाल निकाल के खाने से बचें। कभी कभार ठीक है, लेकिन रोज़ाना में बचें,
या रोजाना में आप बहुत सारा नमकीन खाते हैं तो बचें, क्योंकि इससे दिमाग कमजोर होगा, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, आपका लिवर, आपके लंग्स प्रभावित हो सकते हैं, श्वास प्रभावित हो सकती है, तो उससे आपका अध्ययन और ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। बाकी नर्वस रहने की जरूरत नहीं है, यदि आप नर्वस रहते हैं तो तांबे का गिलास रख लीजिए, उसी में जल पीना शुरू कर दीजिए और देखना ताकत मिलेगी। इसी प्रकार से आप कुछ और चीज़ें घर में पकाकर बच्चों के लिए रख सकते हैं, लेकिन घर की हों, वह शुद्ध हों और ताज़ी हों, तो ज़रूर बच्चों को लाभ मिलेगा। हथेलियों से आज हथेलियों से मैं ये रेखा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए, पूरी दुनिया मुझे जाने। ये तब संभव हो जब यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार की एक साफ लाइन बनेगी। जब ये लाइन जिस भी व्यक्ति की बनेगी उसको बहुत दूर दूर तक लोग जानेंगे और बड़ी प्रतिष्ठा उसकी होगी। ये अगर हो जाए तो बहुत आसानी से उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। दूसरी लाइन है ये, मैं और इसको स्पष्ट करके दिखाना चाहता हूं। दूसरी रेखा है ये वाली रेखा यदि इस प्रकार से जुड़ जाती है तो भी ऐसे लोगों को बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और ऐसे लोग बड़ी मेहनत से, बड़े संघर्ष से अपने भाग्य को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कहाँ बोलने से बहुत नुकसान होता है। शास्त्र अनुसार स्नान करते समय बोलने वाले का तेज वरुण यानी हवा हर कर लेती है, यज्ञ करते समय बोलने वाले की श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी से कुछ ज्यादा श्री अग्नि हरण कर लेती है, और भोजन करते समय बोलने वाले की आयु यम हरण कर लेते हैं। अब इसका अर्थ समझिए, इस तत्व की मीमांसा कीजिए, मतलब क्या है। बहुत सारे लोग फोन पर लगे रहते हैं, नहाते रहते हैं या नहाते रहते हैं और जोर जोर से कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों को गैस की दिक्कत हो जाती है, और जिन लोगों को गैस बननी शुरू हो जाती है उन लोगों को बहुत परेशानियां अपने आप हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इन लोगों का समय बहुत वेस्ट होना शुरू होता है। बहुत सारे लोग अकेले बात करते हैं, खुद से बोलते रहते हैं और घंटों बोलते रहते हैं, अनर्गल बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों का समय वेस्ट होता चला जाता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे यज्ञ करने में उनकी रुचि नहीं होती, एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी ये करते हैं और यज्ञ में खुद तो बैठेंगे और लेकिन बच्चा चाहिए एकदम संस्कारी, तो यज्ञ करते समय जो लोग बोलते हैं उनको लक्ष्मी या श्री का वरदान कभी नहीं मिलता, और भोजन करते समय जो लोग पचड़ पचड़ करते हैं या चपर चपर करते हैं, पटर पटर करते हैं, पटर पटर ठीक है, पटर पटर बोलते हैं, ऐसे लोगों की आयु कम होती जाती है। बड़ी गहरी बात है, ध्यान रख लेना इसे। अब स्वास्थ्य चेतना, स्वास्थ्य चेतना में हम बात करेंगे पनीर की। बड़ा स्वादिष्ट भी होता है, बड़ा स्वास्थ्य वर्धक होता है, और ये शुक्र का एक जबरदस्त उपाय होता है। यहां शुक्र का अर्थ शरीर के शुक्र से है। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ज्यादा पनीर खाना नुकसानदायक सिद्ध होता है। पनीर में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B12 होता है, पनीर खाने से विटामिन डी मिलता है, और इन सब के शरीर में जाने से शरीर बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बचता है। पनीर बच्चों की बड़ी मदद करता है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, बुजुर्गों की हड्डियों को मजबूत करता है पनीर, दांतों से एसिड और जो चीनी चिपकती है उसे साफ कर देता है पनीर, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए सोने से पहले खाने में पनीर ज़रूर खा लिया कीजिए, आधे पौने घंटा पहले, सोने से आधे पौने घंटा पहले
थोड़ा पनीर खाना बहुत अच्छा होता है और ये दिमाग को भी शक्ति देता है, इसलिए तनाव होता है, शरीर का शुक्र भी बली होता है इसलिए शरीर भी पुष्ट होता है, क्योंकि शरीर में ट्राइप्टोटोफिन अमीनो एसिड पाया जाता है, इससे तनाव कम होता है और नींद बेहतर आती है। तो कितना लाभदायक है पनीर है। जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी है वो सोने से आधा पौना घंटा पहले लगभग 50 से 100 ग्राम पनीर ज़रूर खा लें, चाहे खाना थोड़ा सा कम खाएं। और ये पनीर कैसा? नहीं पनीर मखनी और पनीर कढ़ाई और क्या क्या वो सब नहीं, रूखा पनीर। और यदि आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है तो नमक भी मत डालिएगा, ये बहुत लाभ देगा। और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक विचार आपको दे रहा हूं, जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ है, इसलिए चिंता की कोई बात हो ही नहीं सकती। ये वो शख्स कह रहा है जिस शख्स ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। ये बात उस शख्स के अनुभव से सामने आती है जिस शख्स ने असाधारण जीवन से विलक्षण जीवन प्राप्त किया। ये बात उस व्यक्ति का अनुभव है जिस व्यक्ति ने समाज को एक नई दिशा दी, जिसके लिए वह अमर हो गए। तो सोचिए हमारे और आपके कितने काम की होगी। जो लोग भक्ति करते हैं, मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि तुम्हारी भक्ति की कसौटी सिर्फ एक है कि तुम अपनी परेशानियां भूलकर प्रभु के चरणों का ध्यान कितना कर सकते हो। और अगर तुमको ये लगता है कि ये परेशानी मेरी है तो तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं है, क्योंकि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास ही नहीं। देखिए वल्लभ भाई पटेल जी की ये बात आपके बहुत काम आएगी। एक व्यथा लेते हैं। यद्यपि इन्होंने लिखा तो नहीं है लेकिन बहुत पर्सनल सी बात है इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1973, शाम को 8:03 पर इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के शहर में। हस्बैंड की डेथ हुए 9 साल हो चुके हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, अकेले 2 बच्चों को पाल रही हूँ, तबीयत भी हमेशा ख़राब रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। ओहो, बच्चे सेटल हो जाएंगे मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? आप सिर्फ 2 कार्य करा रहा हूँ, 2 उपाय। पहला उपाय, ओम नारायण नमो नमा का सुबह हल्दी की माला से जप किया कीजिए बिल्कुल ध्यानस्थ होकर। और दूसरी चीज़, रात में बच्चों को खाना आदि खिलाकर या अपने भोजन करने से पहले किसी भी समय सूर्यास्त के बाद आप श्री यंत्र के सामने बैठकर ओम श्री नमः का जप किया कीजिएगा। ये श्री यंत्र आप कागज़ पर भी उकेर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और धन है तो तांबे पर करवा लीजिए, चांदी पर या सोने पर, जैसा भी आपको सूट करे ये करना शुरू करिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और अब उनकी बात जिनकी आज विवाह की वर्षगांठ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, लेकिन ये 12 महीने थोड़े ध्यान से बिताने वाले हैं। इन 12 महीनों में आपके घर में सुख शांति तो आ रही है, लेकिन ये हो सकता है आप दोनों में से कोई एक कुछ दिन के लिए बाहर रहने के लिए जाए या कहीं ट्रांसफ़र हो जाए या किसी अन्य कार्य के लिए उसे बाहर जाना पड़े। घर के बुज़ुर्गों की हेल्थ वो आपको तनाव दे सकती है और बच्चे भी थोड़ा स्ट्रेस देंगे। घर में कुछ छोटा मोटा रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है या कोई नया घर आदि या कोई नया वाहन या ऐसी कोई नई चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें मतभेद भी होगा। स्वास्थ्य का एक दूसरे के ज़रूर ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? बृहस्पतिवार के दिन गौ माता की सेवा करें और ओम नारायण नमो नमः की 5-5 मालाएं कर लिया करें, अच्छा होगा। तो विवाह की वर्षगांठ की पुनः बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अब हम चलते हैं और आप खूब हंसिएगा, हंसाइएगा, मुस्की मारिएगा और जरा कहिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। और अब देखिए खबरों से भरी गुड मॉर्निंग। ये है ABP News, आपको रखे आगे।